Assalamualaikum to everyone. This is me, Ana Azam, and you're watching my another vlog. आज है जी वेडनेसडे एंड आज हमें 4 बजे छुट्टी होगी और हम लोग आ चुके हैं 7:30 बजे. 7:32 हो गए हैं. चेक करें, हमारी यूनिवर्सिटी तकरीबन खाली ही है. हम आते हैं यहाँ पे आलू का पराठा खाने. नहीं, मजाक कर रही हूँ. थोड़ा सा पढ़ने भी आ जाते हैं यार. अभी जाते हैं, नाश्ता करते हैं. सबसे पहले मैं नहीं करना होता नाश्ता, ये मेरी दोस्त करके आई होती है तकरीबन हर बारी. लेकिन आज मैं सोच रही हूँ मैं 2 खाऊँ कि 1 खाऊँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ 1 ही खा लेती हूँ. वैसे तो मैं कल दिल चार से 2 खाऊँ, लेकिन आज ज़रा पेट फुल है थोड़ा थोड़ा. तो शायद रात को कुछ खा लिया था मैंने. कैफे आ गए भाई, कैफे चेक करो. मेरे में देखी भाई की रूह आगे चेक करो. अंकल के पहले कस्टमर भी हम लोग ही होते हैं. आलू का पराठा अंकल एक 10 मिनट. अब अंकल हमने हमेशा टाइम भी 10 मिनट ही देते हैं. 10 मिनट वेट भी करना. अब जाएंगे बैठेंगे कहीं, वेट करते हैं. देखो यार, सुबह सुबह शीशा टूट गया. मैंने नहीं तोड़ा है, पहले ही टूटा हुआ. फिर मुक्का मारा. हाँ माना, मेरी भी एक तस्वीर थी इसके साथ लिखी थी. ये अभी दोबारा टूटा, लेटेस्ट. सही है भाई, मारा मुरा किसी ने नहीं. ये बोल भी रही थी, बोल पड़ी. नुकसान हो गया मेरी यूनिवर्सिटी का भाई. ऐसा है कि सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है और स्मोक भी कुछ ज़्यादा हो गई है, तो छुट्टियाँ शायद हो जाएं. लेकिन हमें तो भाई फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी होती है और ट्यूसडे को हम वैसे ही कर लेते हैं अक्सर. तो आते हम पूरे दिन ही हैं तकरीबन. हमने तो नहीं करनी होती छुट्टी, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि कर लेते हैं छुट्टी. सर्दी बहुत लग रही है, मुझे तो बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है. मेरा हाथ बर्फ हो गया. बिजली अंकल सुबह, अंकल कह रही हूँ स्टूडेंट है कि सर हैं कि अंकल हैं पता नहीं. वो सुबह सुबह ही खाने लग गए हैं बर्गर. नहीं यार, कैसे खा लेते हैं सुबह सुबह वो भी फास्ट फूड. आलू का पराठा खाना चाहिए. देखो स्टार 7 डे फ्री. लेकिन मेरा मियाँ अच्छा भाई, मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है इसके बारे में बताने लगी हूँ. बट अभी मैं खुद उसको इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कराने लगी हूँ. एंड मुझे जितनी बातें पता लगी हैं वो ये हैं कि आपको खुद सिखाया जाएगा अबाउट सम ऐप डेवलपमेंट्स. व्हाट्सएप लॉगिन होगा, फिर हम सेलेक्ट करेंगे और खुद को रजिस्टर करेंगे. सीख आता है कुछ नहीं मुझे इसमें से. अगर कुछ सीख लिया तो ठीक है, नहीं सीखा तो बस फिर सारी क्लास कर रही थी. मैंने सोचा मैं भी कर रही थी, बस ये मोटिव. इसी के साथ आलू का पराठा और चाय आज हो गए और मैं हल्ला बोलने लगी हूँ. भाई मेरी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई क्योंकि बहुत लंबा काम है, नहीं हो रही मेरे से. सोच रही मैं कुंडस उस्मान देख लूँ जब तक हमारा लेक्चर स्टार्ट होना है, क्योंकि आज लेक्चर बहुत ज़्यादा है. तो इस वजह से मैं सोच के आई थी कि मैंने कुछ नहीं पढ़ना, मतलब टेंशन ही लेनी ज़्यादा पढ़ाई की. तो बैठ के ड्रामा श्रामा देखते हैं यार, क्योंकि सामान बेहतर है और साथ साथ ये भी खाते हैं. अच्छा भाई, मैं जा रही हूँ क्लास में बैग रखने इस तरह से ताकि हम राउंड लगा सकें. लेक्चर स्टार्ट होने में 15 मिनट्स हैं. तो मैंने और मेरी दोस्त ने बोला, मतलब हम दोनों ने सोचा है कि हम बैग रखते हैं क्लास में और ऐसे चक्कर लगाते हैं. बहुत भारी हो गई यार, चलो जल्दी से रखते हैं. चेक करो भाई, क्लास सारी की सारी खाली है और वानी आज़म पहले आ गई हूँ. चेक करो, मतलब मैं हूँ लेट, मतलब लेट स्टूडेंट हूँ, लेकिन आज मैं जल्दी आ गई हूँ. ऐसा नहीं है मैं आने लग गई हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी आना पड़ता है. मजबूरी है, घर बड़ा दूर है, वरना तो मैं हूँ ही ना. यार आपस की बात है, मैं आपको सच बात बताती हूँ. कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि जो लोग बिगिनर्स हैं ना, उन लोगों को मैं बोलूँ कि यार आप लोग यूनिवर्सिटी लाइफ ज्वाइन ना करो, आई गेस अपनी बिजनेस पे लगाओ पैसे सारे. अपना कुछ कर लो जो यहाँ पे पैसे देने हैं आपने. बिफोर कमिंग टू द यूनिवर्सिटी, बिफोर टेकिंग एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी, यू हैव टू टॉक टू योरसेल्फ और देखें कि आपने करना कि इफ़ यू वांट अ जॉब, इफ़ यू वांट टू मेक अ सीवी ऑफ योर्स, तो यू शुड ज्वाइन दैट. बट इफ़ यू वांट योर ऑन पर्सनल यू नो कंपनी एजेंसी और समथिंग लाइक दैट, सो आई डोंट थिंक सो यू हैव टू वेस्ट योर टाइम इन यूनिवर्सिटी. सो बट इफ़ यू आर इन यूनिवर्सिटी, सो आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा. इफ यू वॉन्ट के यू वॉन्ट टू कम्बाइन ऑल द थिंग्स, सो ऑफ कोर्स यू हैव टू डू हार्ड वर्क फॉर दिस, व्हिच आई एम डूइंग. यस, दिखने में लगता है नहीं है, बट आई गेस आई एम फीलिंग गुड नाउ. माइट बी बिकॉज आई गेस इट्स माई डेस्टिनी, सो आई हैव टू एडमिट इट फर्स्ट ऑफ ऑल.
then later on what can I do is to do hard work. That's all I have in my hands. तो भाई चूँकि बातें काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं, मैं तो फिरने के लिए आई थी, लेक्चर शुरू हो जाना है. वैसे लेक्चर की आपस की बात है, लेक्चर में साइड से निकल जाओ पता भी नहीं चलता. मतलब काफ़ी इस पहले लेक्चर ऐसे मैं नहीं लेती, पर्सनल लेती, लेकिन आ चुके मैं उस मूड से नहीं आई कि मैंने बैठ के पढ़ाई करनी है, कुछ नया करना है, कुछ यू नो पर्सनल अपना करना है. सो मैं भी सोच रही हूँ क्लास में बैठ जाएंगे तो सर की सुन लेंगे, सर क्या पढ़ाते हैं. ओके सर आ चुके हैं, जैसे कि आपको शायद पीछे देख रहे हैं. अच्छा जी आपने तो नेता आ चुका है. सो अब लेक्चर स्टार्ट हो गया और मैं वापस आ गई और आके बैठ गई. सर पढ़ाने लगे हैं, कनेक्ट कर दिया उन्होंने. ये लोग हैं, ये इनके सर के लेक्चर में शुक्र है कुछ छेड़ा छाड़ी नहीं करते बच्चे, वरना तो बच्चे बार बार बंद कर देते हैं पीछे से प्रोजेक्टर. इशू होता रहता है. इसी के साथ क्लास ख़त्म हो गई है और मैं आ गई हूँ बाहर. अब नेक्स्ट क्लास जब तक शुरू होगी तब तक के लिए मैं सोच रही हूँ मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ. मैं आपको इधर की बात उतारती थी लास्ट प्रोग्राम में, बताई थी मैंने कि यहाँ सिर्फ यहाँ अंदर बैठ जाओ ना तो आपको बाहर के लोग दिखते रहते, लेकिन बाहर वाले आपको नहीं देख सकते. इससे आप देख सकते हो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और लाइक यू नो होल सर्चिस उनकी देख सकते हो, और जो भी वो कोई काम कर रहे होंगे वो देख सकते हो. बट इन अ साइलेंट आप खुद अज्यूम कर सकते हो कि यार क्या क्या कर रहे हैं, क्या बात कर सकते हैं. अकेले बैठ के नहीं काम कर सकते हैं और क्या. मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर लेते हैं, सो मिलने जाते हैं टाइम वेस्ट करने के लिए. तो मैंने फिर ये बना लिया, यू नो लाइक दिस. अब मत पूछना ये क्या है, वैसे तो ये चांद है मैं पहले ही बता दूँ, लेकिन मेरे टाइप का दागो वाला चांद. ओके जी लेक्चर स्टार्ट हो गया, सो आगे बैठ गए हम. लेक्चर सर भी आ गए हैं, अब थोड़ा पढ़ लेते हैं. थोड़ा बहुत फिर लिया था मैंने, सो इट्स नॉट टाइम टू सम स्टडी. आज देखते हैं हमें कौन सी केस स्टडी मिलती है. वैसे आपको बताती हूँ हमें केस स्टडीज मिलती हैं, हम ना चैट जीपीटी में डालते हैं और 30 मिनट्स को हम 55 मिनट्स में तकरीबन आंसर कर देते हैं सर. सो कुछ ऐसे करके हम लोग काम करते हैं, लेकिन अच्छी बात नहीं है. मैं आपको मशवरे नहीं दे रही, बस बता रही हूँ कि जल्दी का काम चैट जीपीटी कर लेती है, तो कभी कभी ज़रूरत पड़े तो कर लेना चाहिए. यू हैव टू यूज़ द चैट जीपीटी बिकॉज़ आई डोंट थिंक सो इट्स बैड थिंग. नाउ नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होने वाला, वो दिन जा रही क्लास में आखिरी क्लास. ओके जी फाइनली लेक्चर हो गया जी ख़त्म, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो हैप्पी. अब जा रहे हैं जी, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे, इतनी ज़्यादा कि मैं आपको क्या बताऊँ. पर मैं घर जाऊँगी, अब घर जाके खाऊँगी. यूनिवर्सिटी तकरीबन खाली होगी, जाते हुए भी खाली होती है, आते हुए भी खाली, अब जाने लगे हैं तब भी खाली. देखो सुबह टाइम इसी तरीके से सूरज हुआ होता है, इसी तरीके से सूरज सेम निकल रहा होता है और अब ढल रहा है. घर जाते हैं, आई होप कुछ अच्छा बना हो. सो अपने ब्लॉग को मैं करती हूँ जी एंड. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन. टू ऑल ऑफ अस एंड टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय.